हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अक्षय है और आज हम लोग देखेंगे स्विच स्टेटमेंट का एक बेसिक एग्जांपल। एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक एग्जांपल है, बहुत इजी है, बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक और यहाँ पे दिए हुए हैं, दो नहीं मैंने 3 लिंक यहाँ पे और दिए हुए हैं। इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आप उन लिंक्स को चेकआउट कर सकते हैं और स्विच स्टेटमेंट के बारे में और फर्दर आप जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसी को करते हैं स्टार्ट। देखिए मैंने यहाँ पे दो हेडर फाइल का यूज़ किया है। फर्स्ट हेडर फाइल है stdio.h, दूसरी है conio.h। यहाँ से मेन मेथड स्टार्ट हो गया है। मेन मेथड की स्टार्ट होती है, मैंने यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल कर लिया डिक्लेयर जो कि ch है। उसके बाद फिर एकदम बाद फिर एक यहाँ पे मैसेज पास करा है एंटर एनी कैरेक्टर, यानी कि यहाँ पे यूजर रन टाइम में कैरेक्टर की वैल्यू को इनपुट कराएगा विद द हेल्प ऑफ स्कैन एफ फंक्शन। उसके बाद फिर जो भी वो वैल्यू यहाँ पे इनपुट कराएगा, यानी कि जो भी वो कैरेक्टर इनपुट कराएगा वो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट में पास हो जाएगा। स्विच स्टेटमेंट में पास होने के बाद उसकी वैल्यू, ये जो यहाँ पे केसेस हैं बने हुए, यहाँ पे मैंने ये छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये एक बेसिक ही है एग्जाम्पल, इसलिए मैंने यहाँ पे केसेस भी बहुत कम बनाए। यानी कि यहाँ पे सिर्फ 3 केस हैं, एक केस ए है, केस यू है एंड केस सी है। और इसके साथ ही एक यहाँ पे डिफॉल्ट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। सबसे पहले तो अगर यूज़र ने, या तो अगर उसने ए को एंटर किया तो यहाँ पे केस ए होगा यहाँ पे एग्जीक्यूट, और प्रोग्राम एकदम वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट लगी हुई है। फिर अगर उसने यहाँ पे यू को एंटर किया तो यहाँ पे केस सेकंड वाला होगा एग्जीक्यूट, यानी केस यू होगा एग्जीक्यूट, और फिर प्रोग्राम एकदम से टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर यूज़र ने सी प्रेस किया तो यहाँ पे थर्ड वाला केस होगा एग्जीक्यूट, वहाँ पे प्रिंट होगा चाइना, और फिर प्रोग्राम फिर से यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर यूज़र सपोज कीजिए उसने ए, यू और सी में से कोई भी कैरेक्टर एंटर नहीं, यानी कि उसने इन तीनों कैरेक्टर के अलावा कोई और कैरेक्टर एंटर किया, तो उस केस में डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हमेशा तब होती है एग्जीक्यूट तब कोई भी केस मैच नहीं होता। सपोज़ कीजिए यूज़र ने अगर यहाँ पे जो कैरेक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं फ्रॉम ए टू जेड, उसने कोई भी यहाँ पे कैरेक्टर एंटर कराया लेकिन ना तो ए कराया और ना यू कराया और ना सी कराया, अगर उसने एफ कराया सपोज कीजिए, तो उस केस में डिफॉल्ट स्टेटमेंट होगी यहाँ पे एग्जीक्यूट और उसको मैसेज मिलेगा योर चॉइस डज नॉट मैच विद एनी केस। हम लोग इसका यहाँ पे आउटपुट चेक करते हैं। यस, प्रोग्राम चल गया है। हम लोग यहाँ साइड बाय साइड कंपेयर भी कर लेते हैं इसको। सपोज कीजिए वो कह रहा है मुझे एंटर एनी कैरेक्टर, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ए किया एंटर, तो केस फर्स्ट यहाँ एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं केस ए जो है वहाँ पे प्रिंट है, वहाँ पे एक मैंने मैसेज यहाँ पे पास कराया है इंडिया, तो यहाँ पे वो इंडिया ही प्रिंट हो रहा है। हम लोग यहाँ पे दूसरा केस अब देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर की वैल्यू यू करता हूँ इनपुट, तो केस ये वाला होगा एग्जीक्यूट। आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे हैं जहाँ पर इसका ये कर्सर है, सो यहाँ पे यूएसए हुआ प्रिंट। अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा केस। तीसरे केस में अगर मैं इसकी यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू सी करता हूँ इनपुट, तो यहाँ चाइना प्रिंट हो रहा है, यानी कि थर्ड वाला केस एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे स्पेशल केस हम वो देखेंगे कि अगर मैं इनके अलावा कोई और यहाँ पे कैरेक्टर इनपुट करा, सपोज कीजिए मैंने कैरेक्टर वैल्यू जेड करा इनपुट, क्योंकि जेड का कोई केस यहाँ पे बना हुआ नहीं है, तो इस केस में डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ही होगी। यस, डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, मैसेज आ रहा है योर चॉइस डज नॉट मैच विद एनी केस। यस, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ और, जेड के अलावा कुछ और करता हूँ मैं एंटर। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एफ किया एंटर, क्योंकि एफ के लिए कोई और केस यहाँ पे बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पे भी वही होगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट होगी एग्जीक्यूट, जो कि हो भी रही है। यहाँ पे आ रहा है मैसेज योर चॉइस डज नॉट मैच विद एनी केस। यस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इसके साथ ही मैंने नीचे और 3 लिंक पास कराए हुए हैं, यानी कि 3 लिंक वहाँ पे और दिए हुए हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उनको वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और फर्दर स्विच स्टेटमेंट के बारे में सीख सकते हैं कि स्विच स्टेटमेंट आखिरकार कैसे काम करती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज ऑन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थैंक्स अ लॉट।